जितने भी साथी अभी मंच पे बने हैं, मुझे मालूम है बहुत से इधर उधर मोबाइल रख देते हैं, तो लोग जरूर इसको ध्यान से देखें। अब बीच में कोई बोलेगा नहीं, बहुत जरूरी हुआ तो बोलेगा। नलाल सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको भी गाइड करना पड़े। अशोक सर आप गाइड करेंगे, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। जी सर, 15 मिनट लगा लूँ सर। क्या कह रहे हैं, थोड़ा 15 मिनट ही लगाएंगे। आपने ऊपर उसको क्यों बंद किया, एक बार स्क्रीन को नीचे करिए। ये जो सबसे नीचे वाला है, 4 नंबर पे बटन है, ऐड विद लो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसको ऑन रखिए। हम ना दे लेकिन अगले से मांगे, हम अपना आधार कार्ड पैन कार्ड कम दे लेकिन अगले से जरूर लेना है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगर किससे लिया जाए, हेलो, पहले वाले से ले लीजिए, ऑनलाइन है इसका जो निक नेम है उसको क्लिक करिए। पहले निक नेम को क्लिक करिए, अभी ऑफलाइन शो कर रहा है, 4 मिनट पहले ऑनलाइन था तो हो जाएगा ऑनलाइन। एड को क्लिक करिए, 1 मिनट, इसका 174 ट्रेड है, 90% है, परसेंटेज भी कम है लेकिन बाकी चीज सही है। ऐड को क्लिक करिए, ऐड को इन्फॉर्मेशन के बाद में ऐड पे उसको क्लिक करिए। तो थोड़ा पस बताइए कि ऊपर में जो एरो है उसमें बैक जाइए, बैक नहीं जाना है, तो मैं कह रहा हूँ। ओहो चलिए कोई नहीं, चलिए वहां से भी हम ठीक है आप बाय करिए। और 500 का है, UPI में ऑप्शन डालिए, UPI को जो साइड में एरो है छोटा सा उसको क्लिक करिए। कुछ और आ रहा है क्या जी? फोन पे गूगल पे आ रहा है, सेलेक्ट करना कर लीजिए कि आपको, आप उसी में जाकर चेक करेंगे। नहीं आप फोन पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं कि आप अपने किससे भेजना है। हाँ सर, फोन पे से भी करते हैं, फोन पे कर दीजिए। चलिए वो फिर फोन पे में जाके चेक करेगा ना अपना, ऑर्डर करें कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे यहाँ टर्म्स को पढ़िए पहले। टर्म्स में क्या है, टर्म्स को जरूर पढ़ना है। टर्म्स लिखा है ना, प्लीज रीड द एडवर्टाइजर टर्म्स बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट ऑल एक्सेप्टेड। आगे क्या है, थोड़ा ऊपर करिए हल्का सा, सेंड यूअर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर मांगा ही है, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा उसको जी, ठीक है। और आगे एक मिनट, ये टर्म्स है, ये जो एडवर्टाइजर इन्फॉर्मेशन है, चलिए उसको रहने लीजिए, प्लेस ऑर्डर कर दीजिए, प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। क्या कह रहा, प्रेशर थोड़ा स्क्रीन नीचे करिए, स्क्रीन नीचे करना है आपने, और नीचे रेट को रिफ्रेश करिए एक बार, एक कर रहे 25 के साइड में रिफ्रेश का बटन है उसको क्लिक करिए। क्या कह रहे हैं सर, 91 रुपए 25 पैसा है, साइड में एक रिफ्रेश का बटन है उसको क्लिक करिए। सतीश जी ऊपर में प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस ऊपर लेफ्ट साइड में प्राइस वहाँ लिखा है 91 रुपया 25 पैसा, उसके बगल में कर दिया हूँ सर, कर दिया हूँ, उसको रिफ्रेश वाला बटन बोलते हैं, कर दिया हूँ सर। ये इसका लिमिट INR 500 और 444 दे रहा है,
ये रेड में बैक करिए तो इसके पास 444 रुपए का ही है माल। बैक करिए इसको, बैक हो जाइए। दूसरे दूसरे वाले को उसके निक नेम को क्लिक करिए पहले, निक नेम आप सीधा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो दूसरे वाले को। ठीक है इसका अभी इसका नीचे आइए, टर्म्स एंड कंडीशन देखिए इसका। एक मिनट पहले ऑनलाइन था ये, स्क्रीन को ऊपर करिए हल्का सा। टर्म्स एंड कंडीशन इसका देखना है क्या क्या दे रहा है ये। एक मिनट आप वहाँ पे, एक मिनट यहाँ यहाँ नहीं आएगा। ये जो एड्स लिखा है ना इंफॉर्मेशन के बगल में एड्स लिखा है ब्रैकेट में एक है, उसको क्लिक करिए। बाय का ऑर्डर लगाया हुआ है इसमें, बाय करिए 2000 तक की लिमिट है इसकी। 500 रुपए डालिए, स्क्रीन को ऊपर करिए, यूपीआई में करिए सिलेक्ट। यहाँ पे बटन दिया ही नहीं, उसमें बटन नहीं दिया यार। इसका टर्म्स में क्या है, प्लीज रीड दी एडवर्टाइजर। अच्छा इसमें एडवर्टाइजर में लिखा है बस आई एम ऑनलाइन, और कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। प्लेस ऑर्डर करिए, प्लेस ऑर्डर। सर उधर फोन पे करवाए हैं, यूपीआई में है, कोई दिक्कत नहीं होगा सर? इसने मांगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसने मांगा ही नहीं ना। चार्ट में जाइए, ये जो इम्पोर्टेंट आया है ना इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है? एक मिनट सर, एक मिनट चलिए रहने दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ये क्या क्या बोल रहा है, ओनली वन टाइम ऑर्डर एंड थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। ओके चलिए पेमेंट करिए इसको, ओके लिख दिया। इसका नाम टैली कर लेंगे कि नाम फोन पे का और जो इसका बैलेंस में दोनों सेम है कि नहीं, उसके बाद पेमेंट करिएगा। यहाँ पे आ गए तो पहले इनको वहाँ पे नाम से चेंज इनको देखना चाहिए था ना कि उसका क्या नाम है। कोई बात नहीं, कोई बात निशा, नाम भी काफी डिफिकल्ट दिया है। ठीक है आगे बढ़िए, ये क्लिक करिए, सही है सर, क्लिक करिए, वेरीफाई करिए, गूगल पे में जाइए। कई बार फोन पे दिक्कत करता है, गूगल पे में जाइए। निशाना, एक मिनट, नाम निशाना, नाम चेक कर लीजिएगा एक बार, यहाँ पे अलग अलग लिखा है। चलिए करिए, ठीक है वो देख लीजिए। ठीक है करिए, करिए पेमेंट करिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। क्या सर? पेमेंट करने के बाद स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो जो हो रहा है बोलते रहिएगा। सर बोल रहा है पेमेंट फेल्ड, दिस ट्रांजैक्शन माई बी इस फाइल, पेमेंट फेल्ड हो रहा है सेफ्टी जी, तो रहने दीजिए फिर, शायद आपका नेटवर्क का इशू है या गूगल से एक बार फिर चेक करके देख लें। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क का ही दिक्कत लग रहा है जी। सर तो अभी आपका हो नहीं पाएगा, तो चलिए अब कहते हैं कैंसिल, अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा तो कैंसिल करना पड़ेगा।
हाँ तो देख लेते हैं एक बार फिर चेक करके, फिर उसके बाद कैंसिल। जो पेमेंट है वह फेल हो गया है, अगर उसके में चला गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है? नहीं उसमें नहीं जाएगा, फेल हो गया तो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि तो पेमेंट है का ऑप्शन आने के बाद हमें वो देना पड़ जी। चलिए आप बैलेंस में जाइए, कैंसिल करिए, पेमेंट उसको नहीं जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट में रहता तो फिर हम सोच सकते थे कि नहीं पेमेंट जा सकता है। इसमें सर आप तीन नंबर वाले गोले को क्लिक करिए, देयर इज टेक्निकल और नेटवर्क एरर विद दी पेमेंट प्लेटफॉर्म, तीन नंबर गोले को क्लिक करिए जी। और सबसे लास्ट में क्लिक करिए, सबसे नीचे कन्फर्म के पास, कन्फर्म के पास ही है जी, कन्फर्म के लिए है बॉक्स है उसको क्लिक। हाँ अब कन्फर्म से कर दीजिए कैंसलेशन, नेटवर्क का इशू है और आपके द्वारा पेमेंट नहीं हो पाएगी जी, ना बाइंग हो पाएगी।